आनंद क्या है इस पर बहुत बार चर्चाएं की गई हैं, अनेक विद्वानों ने, भाष्यकारों ने, भागवत जी के प्रवक्ताओं ने इस आनंद शब्द पर बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं की हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि वो जो संसार में ले रहे हैं वो भी आनंद है, लेकिन जब शास्त्रों में पढ़ते हैं, महापुरुषों की वाणी में सुनते हैं, तो पता चलता है कि जो संसार में मिलता है वो सुख है, पर वो आनंद नहीं है। किसी ने बहुत साधारण सी व्याख्या करते हुए अंतर बताया है सुख में और आनंद में। कहा कि व्यवस्थाओं से जो मिले वो सुख होता है, पर अव्यवस्थाओं में भी जो मिले वो आनंद होता है। व्यवस्थाओं से मतलब है कि जब कुछ लग रहा हो कि भाई हमें ये व्यवस्था चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर मकान चाहिए, तो वो व्यवस्थाएं मिल जाएं और फिर जो मिलता है वो सुख मिलता है। अच्छी महंगी गाड़ी में बैठने से सुख मिलता है, पर अच्छी महंगी गाड़ी आनंद की गारंटी नहीं देती है। अब व्यवस्थाओं में भी जो मिले, मतलब कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो, जैसे एक उदाहरण के लिए कोई वृंदावन गया, वृंदावन गया तो अब बताओ उसको क्या ही व्यवस्था, एंट्री में ही उसे रोक दिया जाता है। अभी जिस तरीके की भीड़ है तो वृंदावन का जो मुख्य द्वार है वहीं पर गाड़ी से उतार दिया जाता है, बोले भैया इससे भीतर गाड़ी नहीं जाएगी। है तो ये अव्यवस्था ही बनाई गई है व्यवस्था के लिए, पर इंसान के लिए तो कि भाई अब ठोकर खाओ, पैदल जाओ, रिक्शा पकड़ो, ये जाओ वो करो, चलो फिर वहां से जैसे तैसे आगे बढ़े, भीड़ में भीतर वृंदावन में घुसे तो वहां भी इतना ट्रैफिक, इतना जाम, वहां भी अव्यवस्था, और फिर आगे जब बिहारी जी की मंदिर पहुंच गए वहां भी इतना धक्का मुक्की, कोई इधर धकेल रहा है, कोई उधर धकेल रहा है, देखने में तो अव्यवस्था है, पर जैसे ही वो आदमी वृंदावन से वापस पानीपत आए और कोई उससे पूछे कैसा रहा वृंदावन, तो हंस के कहेगा बड़ा आनंद आया। क्या आनंद आया? व्यवस्थाएं तो कुछ थी नहीं, धक्के खा खा के आया है। पर उन धक्कों में भी अगर आपको रस मिल रहा हो तो इसका मतलब है आप किसी सुख वाली जगह पर नहीं हो, आप किसी आनंद वाली जगह पर हो। यहां कथा में बैठे आपको सुख नहीं दे सकते हम, व्यवस्थाएं नहीं दे सकते हम। 3 घंटे जैसे आप यहां अलती पालती मार के जमीन पर बिना पानी, बिना जल, बिना चाय, बिना कुछ भी खाए पिए यहां बैठे हो, अब सोचो 3 घंटे आपको ऐसे मूवी थिएटर में बिठा दिया जाए, तो वहां मन नहीं लगेगा, क्योंकि बैठने के लिए वहां व्यवस्था चाहिए, बढ़िया एसी चाहिए, गर्मी होगी तो नहीं बैठेंगे, हल्ला मचा देंगे। बीच में खाने पीने को भी कुछ चाहिए, क्योंकि वहां व्यवस्थाएं हैं, वहां व्यवस्थाओं का सुख है। पर यहां कथा में व्यवस्थाओं का कोई सुख नहीं है, पर इस कथा में भगवान की लीलाओं का परम आनंद है। इसलिए व्यवस्था न होते हुए भी व्यक्ति को कथा में आनंद आता है, और ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान और भगवान की कथा जो है वो है क्या है, सुखमय है कि आनंदमय है? आनंदमय है। इसलिए उन्हीं आनंद कंद भगवान की कथा श्रीमद् भागवत जी गा रही हैं।